नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं वाई शिवम। इस वक्त पूरे देश में एक जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है विपक्ष के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी परेशान है। न सिर्फ परेशान है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी मुश्किलें कसना शुरू कर दिया है। और वो तमाम नेता, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता हो, चाहे मंत्री हो, और चाहे वो राज्य सरकारों में मंत्री हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, या विधायक या सांसद, वो सभी नेता जमीन पे उतर गए हैं इस डर से कि कहीं विपक्षी एकता की जो बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं वो अमली जामा ना पहन ले। और जो एक बड़ी रैली या बड़ा कार्यक्रम पटना में होने वाला है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, वो कहीं सरकार की जड़ें हिला के न रख दे। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जिस पर मैं आज इस कार्यक्रम में बात करने वाला हूं, वो ये कि नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है। और शुरुआत में जो एक अफवाह उड़ी, ये कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से कोई इसमें शामिल नहीं हो रहा है, उस अफवाह के क्या मायने हैं। एक और जो बहुत जरूरी चीज है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लानिंग की थी, जो अति पिछड़ा है उसको अपने पक्ष में मजबूती से लाने की लाभार्थी योजनाओं के जरिए, और जो दलित है उसको लाभार्थी योजनाओं के जरिए अपने पाले में खींचने की, उसको कैसे राहुल गांधी ने और विपक्ष के कुछ नेताओं ने नेस्तनाबूद कर दिया है। हमारे साथ खास मेहमान आज इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अनिल जैन जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जय हिंद जी। जी डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत। और एक चीज मैं समझना चाहूंगा, आप लंबे समय से एक सामाजिक न्याय, एक अखिलेश यादव की यात्रा देख रहे हैं, उन्होंने उसमें रथ में सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना की बात की है। पटना में बहुत, बिहार में बहुत इसको लेकर बातचीत हो रही है कि किस तरह से इसके एक एक इसका सामंजस्य बिठाया जाएगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब उस जगह पर ये बात पहुंच गई है, या ये पूरी कोशिश या कवायद पहुंच गई है जहां बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आगे का रास्ता मुश्किल होने वाला है? हाँ शिवम जी, मैं इसको जिसके कई पहलू देखता हूँ। अगर हाल जी ही की घटनाओं को देखें तो भारत जोड़ो यात्रा और जो फिर कर्नाटक के जो परिणाम आए उससे हाँ कांग्रेस एक तरह से रिसर्जेंट हो चुकी है। पूरे उसमें जिसको कहते हैं जो मूर्छावस्था में थी वो पुनः जागृत हो चुकी है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश देखने को मिल रहा है। और सिकंदर महान हमेशा कहते थे कि जो फौजें जिनका हौसला बुलंद होता है वो हमेशा अजेय होती हैं, तो कांग्रेस की जो फौज है वो उसका हौसला बुलंद हो चुका है। और जिस तरह का कर्नाटक के जो चुनाव परिणाम आए और उस पे आप देखिए, तबसरा जो है ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस का मुखपत्र है अंग्रेजी में, उसने जो तबसरा किया है कि कर्नाटक की हार का जब उसने विश्लेषण किया तो दो कारण गिनवाए कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी केवल दो मुद्दों पे टिकी रही, एक तो हिंदुत्व का मुद्दा और एक मोदी जी के करिश्मे का मुद्दा। और उन्होंने कहा कि ये दो मुद्दे अपने आप में काफी नहीं है चुनाव जिताने के लिए, और भी जी जो है जी जैसे महंगाई, जिनका आप और हम अक्सर पहले भी कई चर्चाओं में हमने जिक्र किया, महंगाई है, बेरोजगारी बिल्कुल है, किसानों का मुद्दा है और नौजवान बेहाल हैं, ये सारे मुद्दे जो हैं। और खास तौर पे जिसका जिक्र आपने भी अभी किया कि अखिलेश जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, जो ओबीसी का मुद्दा है, देखिए 2014 में जब मोदी जी आए थे जो एक कैंडिडेट बन के प्रधानमंत्री का, तो आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मोदी जी को लेके बहुत उत्साह था, खास तौर पे ओबीसी वर्गों में कि हमारे एक ओबीसी वर्ग का एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और मुझे जी ध्यान जी आता है कि ये 2013 में पटना में एक रैली की थी मोदी जी ने, और उसमें खास तौर पे ओबीसी के लिए उसमें कई कई उन्होंने वाक्य, इवन जो है ना यादवों के लिए उन्हें कहा था कि मैं गुजरात के द्वारका नगरी से आया हूं और यादव यदुवंशियों आप ये समझ लीजिए कि आपका हम पूरा ख्याल रखेंगे। तो कहने का जी मतलब ये था कि जो 15 लाख और बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन एक ओबीसी का जो वोट था उसमें एक जी बहुत बड़ा उत्साह था मोदी जी को लेकर के। और पिछले 10 वर्षों में जो ओबीसी है बिल्कुल नाउम्मीद और निराश हो गया है, क्योंकि जो एक मूलभूत जो हर कोर्ट में जो ओबीसी के कुछ कल्याण की योजनाएं बनती हैं और कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है तो अदालतें कहती हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े लेके आओ तभी हम इसको लागू होने देंगे।
और 9 साल हो चुके हैं एक ओबीसी प्रधानमंत्री को, और जातीय जनगणना के जो आंकड़े देने चाहिए थे या और भी जो कुछ जो उम्मीदें थी ओबीसी वर्गों से, उसमें बिल्कुल ही वो फेलियर साबित हुए हैं। बाकी तो मुद्दे हैं ही गवर्नेंस के, महंगाई, बेरोजगारी, गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती हुई खाई, कुछ चोरी होती हुई खाई, किसानों के मुद्दे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मोदी जी इस समय बहुत, जिसको कहते हैं कि, कमजोर विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं। और अच्छा, 2019 का अगर मेरे को आप 1 मिनट के लिए जिक्र करने दें, बिल्कुल बिल्कुल दो बिल्कुल हजार बिल्कुल हाँ हाँ 2019 में जो मोदी जी रिपीट हुए थे, तो ठीक है, एक कुछ है परसेंटेज, 15-20% वोट शायद होंगे इस देश में जो हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन उस समय एक पुलवामा की घटना हुई थी, हम सब उसका जिक्र करते हैं। लेकिन दो फैक्टर और काम कर रहे थे। एक फैक्टर ये था कि काफी लोग ये सोचते थे कि अभी मोदी जी को ना कम समय मिले है, इनको 5 साल का समय और देना चाहिए, शायद ये कुछ करके दिखा लें। कहते भी थे 2022 तक हम सबको मकान दे देंगे, किसानों की आय 3 गुना कर देंगे वगैरह। और जो तीसरा मुद्दा था वो ये था कि 2019 में एक आम भारतीय को ये लगता था कि कोई विकल्प नहीं है मोदी जी का, काफी लोगों को लगता था, मैं नहीं कह रहा कि सबको लगता था, लेकिन एक बहुत बड़ा हमारे भारत भारतवासियों का एक वर्ग था, मतदाताओं का, जिनको लगता है यार कौन, अगर मोदी जी नहीं तो कौन। और फिर एक कौन आध नाम बिल्कुल लेते थे और कहते नहीं मैं मोदी जी ही हैं। इस समय जो जिसका आपने जिक्र किया पटना रैली का, जो विकल्पहीनता है वो 23 जून को समाप्त होने जा रही है। अच्छा भारत, मतलब जो हमारे देश के मतदाता हैं उनके सामने जब विपक्षी एकता होगी तो एक सशक्त विकल्प की तस्वीर पटना में उनको नजर आने जा रही है, और ऐसा विकल्प जो कुछ मुद्दों को, जो मूलभूत मुद्दों को लेकर के एक मिनिमम डॉक्टर साहब डॉक्टर एजेंडा साहब या डॉक्टर कॉमन मिनिमम साहब मैं प्रोग्राम। बहुत डॉक्टर साहब छोटा सा मैं माफी के साथ, हाँ ये नहीं जो नहीं आप कह प्लीज रहे प्लीज। हैं कि विपक्षी एकता की वजह से एक विकल्प मिलने वाला है, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि पहले भी हमने देखा है कि इस तरह की कवायद की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो मशीनरी है, जो उनका मैकेनिज्म है इलेक्शन लड़ने का, उसने ये कहा कि देखिए सारे चोर एक तरफ आ गए, एक एक साफ सुथरे आदमी को हराने के लिए, मोदी जी को हराने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बार की जो पूरी कवायद है वो पहले की कवायदों से कैसे अलहदा है, एक, और दूसरा ये कि ये कवायद, इसमें बहुत सारे नेता हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे हैं, नीतीश कुमार हैं, जो बड़े फेसिस के तौर पर जिनका नाम लिया जा सकता है, अखिलेश यादव, किस तरह इनका अप्रोच किस तरह से अलग है? देखिए ये जो है ना भारत, जिसमें कहते हैं विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है, तो इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, तो जी ये एक तरह से विपक्ष का एक, जिसको कहते हैं कि प्लस पॉइंट है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये उनकी स्ट्रेंथ है कि वो जो एक विपक्षी एकता होगी उसमें भारत की डाइवर्सिटी नजर आएगी, एक संघीय ढांचा नजर आएगा। आपने देखा ना कर्नाटक में काफी लोगों को, जो हम हाल ही में चुनाव हुए उसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जी जी कि नड्डा साहब जाते हैं वहां पे कर्नाटक के मतदाताओं के बीच में और एक जनसभा हो रही है, हमने सबने देखी, और कहते हैं कि ये चुनाव जो है ये कर्नाटक का चुनाव एक तरह से नहीं है, किसी को जिताने का, सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी के हाथ में सत्ता सौंपने का चुनाव है। अमित शाह जी जाते हैं वो कहते हैं उनके स्टेज पे 5 उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, वो खड़े हैं उस स्टेज के ऊपर, और अमित शाह जी कहते हैं कि देखिए मोदी जी के हाथ में कर्नाटक को सौंप लीजिए। नड्डा साहब ने कहा कि मोदी जी का तो आशीर्वाद ले लीजिए, ये आपके सामने एक सुनहरी मौका है। तो एक जिसको कहते हैं कि पूरे देश में एक व्यक्ति को दिखाया गया है, हर आदमी उससे नहीं आइडेंटिफाई करता, तमिलनाडु का आदमी नहीं आइडेंटिफाई बिल्कुल करता, केरल का नहीं करता, एक जब एक आप डाइवर्स लीडरशिप पेश करते हैं जिसमें कहीं शरद पवार जी खड़े नजर आते हैं, कहीं ममता बनर्जी खड़ी नजर आती हैं, कहीं आज अभी रैली कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल हमारी दिल्ली में, वो भी नजर आएंगे, तो एक अलग वो स्ट्रेंथ है कि भाई देखिए पूरा इसमें भारत नजर आ रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी मैजिक या मोदी की धार कुंद, जो उस मुद्दे को, मोदी को ही मुद्दा बना के इलेक्शन लड़ा जा रहा था, वो धार कुंद हो रही है, और जो ये रैली होने वाली है उस पर बहुत तेज और मजबूत हथौड़े से ये वार होगा कि वो धार एकदम मोथरी हो जाए।
ऐसा आपको लग रहा है? शिवम जी, मेरा एक और मानना है, मोदी जी एक समय में एसेट थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि मोदी जी की वजह से वोट आकर्षित होते थे। अब जो उनका टोटल फेलियर हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसानों का मुद्दा, कहीं अग्निवीर का मामला आ रहा है, महिलाओं का तो मुद्दा, इस महिलाओं का मुद्दा हाल में। महिलाओं का मुद्दा आपने बिल्कुल कहा, तो उसके वजह से मोदी जी इस समय एसेट नहीं, एक लायबिलिटी हो चुके हैं, वो बोझ बन चुके हैं बीजेपी और आरएसएस के लिए। इसीलिए अब अच्छा आरएसएस खुल के बात नहीं करता, तो अपने मुख्य पत्र की तरफ से वो उन्होंने एक इशारा किया है। देखिए, मैं जिन आरएसएस के लोगों के संपर्क में आता हूँ या बीजेपी के भी संपर्क के लोगों में आता हूँ, और उनसे उनकी विचारधारा समझने की कोशिश करता हूँ, अब जी से 5, क्योंकि मेरी उम्र काफी है आपको पता है, तो जीवन जी भर मेरे को आरएसएस के व्यक्ति जो थे, कोई स्वयंसेवक या बीजेपी के जो अच्छे एस्टेब्लिश नेता, वो यही बताते थे कि देखिए, हमारे लिए विचारधारा असली चीज है। अब हो सकता है आपका मेरा विचारधारा से मतभेद हो बिल्कुल उनकी, लेकिन मैं एक बिल्कुल दूसरी बात कह रहा हूँ इस समय, कि वो कहते थे हमारे लिए विचारधारा ही सबसे महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हम तो भगवा ध्वज को मानते हैं, संगठन को मानते हैं, व्यक्ति तो हमारे लिए है ही नहीं। और जो हो क्या रहा है पिछले 5-10 साल में, उससे बिल्कुल उलट हो रहा है, जो 5-10 साल पहले तक सारे बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते थे, अब व्यक्ति महत्वपूर्ण बन चुका है। तो संघ ने जो, मेरे को लगता है कि एक इशारा किया है ऑर्गेनाइजर में उस लेख, क्योंकि वो लेख छपने से बिल्कुल पहले ऐसा नहीं होता कि इस तरह का लेख बिना ऊपर से इजाजत लेके छप जाए मनमर्जी से किसी बिल्कुल एक व्यक्ति के, तो वो एक इशारा मोदी जी को किया गया है कि अच्छा, उन्होंने इस चीज का उदाहरण दिया है कर्नाटक में, कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी लोकल लीडरशिप को आगे रखा, संगठन को यानी आगे रखा, और बीजेपी ने अपनी लोकल लीडरशिप को वहां आगे नहीं आने दिया। वहां ये हाँ, येदुरप्पा जी का वो जो अंदर सेक्शन अंदर है उनका उसका। विरोध था, हाँ आप शायद म्यूटेड हो गए, तो हाँ, मैं ये कह येदुरप्पा रहा हूं जी, कि वो मोदी के फेस पे ही आगे बढ़े, आप ये कहना चाह रहे जी, और इस पे भी इशारा किया ऑर्गेनाइजर के उस लेख में, कि भाई जी। आपने वहां लोकल लीडरशिप को, जबकि कांग्रेस का ये स्ट्रेंथ थी, होता ना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो वो उनकी स्ट्रेंथ रही कि उन्होंने लोकल लीडरशिप, डीके शिव कुमार हो, अपना सिद्धारमैया जी हो, और खड़गे साहब भी, वो आगे रहे और उन्होंने डिसाइड किया कि क्या मुद्दे बनेंगे, क्या भाषण दिया जाएगा। बिल्कुल 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 तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोकल लीडरशिप को, और इसमें जो डाइवर्सिटी है भारत की पूरी नजर आ रही है, कहीं स्टालिन खड़े नजर आएंगे आपको, ठीक है हाँ, ना, कहीं तो ये सिद्धारमैया जी डाइवर्सिफाई खड़े। इंडिया की जो, और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेके जब पहुंचेंगे पटना में, तो उसका एक असर आप कह रहे हैं कि होगा, और ये बड़ा तीखा एक तरीके से कह सकते हैं कि हमला हो सकता है एक तरीके से, जो नरेंद्र मोदी एक गठजोड़ या कवायद कर रहे हैं उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मैं शिवम जुड़ने जी, के एक लिए। सेकेंड अगर मेरे को और दें आप 1 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल मैं हाँ बिल्कुल नीतीश जी को काफी, मैं पिछले 30 साल से, 30-35 साल से उनकी राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है। शरद पवार जी तो मतलब आप मान लीजिए कि असली चाणक्य जो भारत के, वो शरद पवार हैं। तो राहुल जी एक ब्रॉड माइंडेड हैं, वो एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं, उनका निजी स्वार्थ नहीं नजर आता, इसीलिए वो लोगों के दिल में इस समय छा रहे हैं कि ये व्यक्ति हाँ देश के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए लड़ रहा है, ये अपनी सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा। और जी शरद पवार जैसा एक, जिसको कहते हैं शार्प माइंड, जिसको मैं भारतीय राजनीति का चाणक्य बोलता हूँ, और नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व, ये तीनों मिलकर के देश में एक नया इतिहास गढ़ने जा रहे हैं, और तीनों इस मामले में बिल्कुल, वो जिसको कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ये इन तीनों के मन बिल्कुल में नहीं है, मैं कह सकता हूँ। जी शिवम जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये वाकई में, ये आपने जो एक बड़ी बात कही कि नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, संघ के लिए एसेट नहीं, लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, ये बड़ी मार्के की बात है, और मुझे लगता है कि इस पर और एनालिसिस करने की आवश्यकता है। हम इस पर और भी बात करेंगे आगे। फिलहाल इस जी कार्यक्रम में इतना ही। सभी दर्शकों से भी मैं इजाजत चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो बात है, ये बहुत जरूरी है कि जो विपक्षी एकता की बात लगातार उठ रही है, इस बार पहले जी की जो कोशिशें थी उससे काफी अलग चीजें नजर आ रही, और ये स्पष्ट है कि जून में, आखिर में, आखिरी हफ्ते में, 22-23 जून को जो माहौल बनाया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जड़ें
हिलेंगी और उसका असर अभी से होने लगा है। दिल्ली में इसको लेकर बड़ी चिंता है। आप सभी का भी बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज नेशन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।